कहा तुम्हें बुला रहे हैं? जरूर मेरी शिकायत लगाई होगी तुमने। हाँ लगाई है। तुम जैसी बदतमीज लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जाहिल। देखो पढ़ाया पढ़ा लिखा। देखो बेटा अमीना का ख्याल रखा करो। अब्बा जी आप हमेशा मुझे ही समझाते रहते हैं, अमीना को कुछ नहीं कहते आप, बहुत ही बदतमीज लड़की है वो, मेरी हर बात का जवाब देती है और आज तो उसने मेरा खत भी खोल लिया। हाँ खत खोलना वाकई बुरी बात है, लेकिन देखो तुम उसे प्यार से मोहब्बत से समझाओगे तो समझ जाएगी। अब्बा जी वो बहुत ही जाहिल लड़की है, उसको कोई मैनर्स नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, बैठो। ऐसी कोई बात नहीं है, अमीना बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे अकल भी आ जाएगी और मैनर्स भी आ जाएगी। मेरे साथ क्यों रहेगी, मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा। ये क्या कह रहे हो साहबजादे, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो और किसके साथ रहेगी। लेकिन अब्बा जी अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ और कोई नौकरी भी तो नहीं है मेरे पास, और आप शायद अपना वादा भूल रहे हैं। अरे दम तो लो, सांस तो लो, मैं कब अब की बात कर रहा हूं, मैं भी तो तब ही की बात कर रहा हूं। और मुल्तान जाने की तैयारी करो। मुल्तान? हाँ मैंने तुम्हारे चचा इरफान को फोन कर दिया है कि तुम और अमीना दोनों उनसे मिलने आ रहे हैं। जाओ अमीना को बताओ कि वो पैकिंग करे और तुम जाके ट्रेन के टिकट लो, वहां जाकर प्यार और मोहब्बत से रहना अमीना के साथ। तुम्हें पता है इरफान की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन अब्बा जी अगर अमीना ने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो? अरे बेटा नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा, नहीं करेगी बदतमीजी, ठीक है? चलो जाओ जाओ। जी उर्वा। जी अब्बा जी।